Hi guys, welcome back to my YouTube channel. If you don't know me, I am Dua Siddiqui, a makeup lover, and today I'm here with a video. Lazmi baat hai, YouTube pe video lekar aayenge koi matlab kis tarah ki baatein karne lag gayi hu main. To main lekar aayi hu aap logo ke liye video title se aapko pata chal gaya hoga. We're gonna test out makeup today. और आज क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आई हुई थी कि फिर से एक पूरा इंटरनेशनल मेकअप टेस्ट आउट करने की वीडियो बनाएं. I ordered some stuff, I got some stuff, and I decided to try it out in front of you guys. So कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अब पता है मेकअप का सीन कुछ ऐसा होता है कि जब मेकअप आपके पास आ जाता है ना तो फिर आप वीडियो के लिए वेट मतलब वीडियो बनाने में टाइम लगता है तो पहले कुछ चीज़ें ट्राई कर लेता है. तो ये मेरे साथ होता है और इसमें से कुछ चीज़ें मैं ट्राई कर चुकी हूँ और मुझे बहुत पसंद भी हैं. तो कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं है जो ट्राई नहीं की हैं, वो आपके सामने ट्राई करूँगी. सो कहाँ कहाँ से चीज़ें ली हैं सब बता दूँगी, पेज लिंक कर दूँगी नीचे जहाँ से आप ख़रीद सकते हैं सब चीज़ें. मैंने उस पेज से भी मंगवाई हैं कुछ चीज़ें और कुछ चीज़ें मैंने जो है वो सफोरा से ली हैं. तो अलग अलग सीन्स हैं तो मैं बताती रहूँगी. और मैं लेकिन आप लोग कहाँ से ख़रीद सकते हैं, जो पूरी पाकिस्तानी आवाम कहाँ से ख़रीद सकती है, नीचे मैं पेज लिंक कर दूँगी, वहाँ से आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ से बाय कर सकते हैं. और आईब्रोज़ के लिए मेरे पास कोई प्रोडक्ट्स नहीं थे तो मैंने सोचा कि मैं जे ब्यूटी के ब्रावा से अपनी आईब्रोज फिल करूँ. आई हैव बीन लविंग इट लेटली. माई शेड इज़ इस्लामाबाद और ये इस तरह का है. मैंने इससे अपनी आईब्रोज फिल किए हैं, बस क्लीन कर लिए हैं और अब आते हैं आई मेकअप की तरफ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके सो बाल मैंने बांध लिए हैं और अब स्टार्ट करते हैं मेकअप. तो आई शेडो पैलेट के लिए मैं यूज़ करूँगी, इसका रिव्यू सबको चाहिए था. एंड ये जो पैलेट है ये उस यूट्यूबर की है जो मेरी वन ऑफ माय लाइक शी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स, लाइक आई एब्सोल्युटली लव हर. एंड वी हैव द टाटी ब्यूटी पैलेट राइट हियर. टाटी ब्यूटी टाटी वेस्ट्रोक इज़ वन ऑफ माई फेवरेट यूट्यूब, नॉट वन, शी इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट यूट्यूबर. She's super honest. I just love her. I love her. So she released this palette. Unka apna brand hai and halat nazar aa rahi hogi aap logon ko lazmi. To maine bahut istemal kiya jab se maine liya hai. I've been using it non freaking stop. You can totally see what I'm talking about. And these shadows they are not a joke. You have MAC ki puri line. एक डिफरेंट ये आई शेडो उन्होंने लॉन्च किया है, ये है सीक्वेंट. एंड देन यू हैव द शिमर द मेटालिक शिमर्स एंड देन उसके बाद यू हैव ग्लिटर्स. ठीक है, इन ग्लिटर्स को लगाने के लिए आपको ग्लू की ज़रूरत है ही नहीं, खुद ही स्टिक हो जाते हैं, दे डू नॉट मूव. सबसे डिफरेंट लाइन इनकी ये है सीक्वेंट, जो कि मैं आपके लिए स्वॉच करूँगी ताकि आपको पता चले कि मैं एक्चुअली बात क्या कर रही हूँ. दिस इज़ द सीक्वेंट लाइन. कैन यू गाइस सी हाउ ब्यूटिफुल दीज आई शेडोज आर? These are seriously to die for. I absolutely love these eyeshadows. मैं बहुत time से अब use कर रही हूँ इनको और ये इनका जो है वो metallic वाला scene है. Exactly, like she is not kidding. क्योंकि Tati Beauty एक Tati जो है वो एक बहुत ही ऐसी यूट्यूबर हैं जो कि हर चीज़ के बारे में she is very honest about it. She just absolutely is transparent about everything. तो उनकी पैलेट को अच्छा होना ही था लाजमी. एंड आई एक्चुअली वॉन्टेड टू ट्राई दिस आउट ये देखने के लिए कि वॉट्स द टी, बिकॉज इफ़ यू आर ऑनेस्ट अबाउट समथिंग एंड इफ़ यू जस्ट से इट आउट लाउड तो आपकी चीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए. बहुत बात हो गई है, अब आई थिंक वी शुड स्टार्ट अप विद मेकअप. सबसे पहले मैं ये वाला शेड लूँगी एंड वॉट आई डू इज आई जस्ट डस्ट इट ऑल ओवर माई आईलेट ताकि मेरा जो मैंने कंसीलर लगाया ना वो अच्छे से सेट हो जाए. जब आप एक एक्सपेंसिव पैलेट खरीदते हैं, मतलब दिस इज अराउंड ये पैलेट है अराउंड 11-12 thousand तक की. तो अगर जब आप इतनी अच्छी और इतनी एक्सपेंसिव पैलेट खरीदते हैं तो आपको उससे ऑब्वियसली बहुत उम्मीदें होती हैं कि यार ये पैलेट दिस हैज़ टू वर्क आउट फॉर मी. सो मुझे भी यही उम्मीदें थी एंड आई वॉज रियली हैप्पी जब इट वर्क आउट फॉर मी. सबसे पहले मैं ये वाला शेड लूँगी and I'm just gonna coat my brush and I'm just gonna put it into the crease just to warm up the crease ताकि मेरे आई शेडोज जो हैं. आई कैन स्वेयर बाई दिस आई शेडो पैलेट. इफ यू आर समबडी हु इज़ लुकिंग फॉर अ गुड आई शेडो पैलेट
हु वॉन्ट्स टू स्पेंड थोड़ा सा इसके ऊपर, एंड यू नो इफ यू वॉन्ट के बस आपको इस जिंदगी में एक ही पैलेट चाहिए। इसमें कलरफुल बहुत ज़्यादा पिंक्स और ब्लूज और येलोज और पर्पल्स नहीं है, मगर ये किसी भी न्यूट्रल लवर के लिए बहुत अच्छी पैलेट है। एंड आई थिंक इफ़ यू आर समबडी ऑफ दैट सॉर्ट, यू शुड डेफिनेटली 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 गो फॉर इट, बिकॉज द आई शेडोज आर वेरी वेरी प्रिटी। सो जल्दी से आई एम जस्ट गोना पुट इट इनटू द क्रीज, एंड आई रियली वॉन्ट टू प्ले विद दिस लाइन टूडे बिकॉज दिस ग्लिटर, दीज शिमर्स आर जस्ट कॉलिंग आउट माई नेम। सो इनके साथ आज वर्क करेंगे एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। उसके बाद जो है मैं लूँगी ये वाला शेड थोड़ा सा, एंड आई एम जस्ट गोना बिल्ड अप द क्रीज अ लिटिल बिट मोर। एंड आई हैव सो मेनी प्रोडक्ट्स टू ट्राई आउट टुडे, तो ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग कुछ स्नैक्स ले लें और बैठें एंड लेट्स टॉक। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्लेंड एवरीथिंग इन प्लेस। आई हैव बीन सुपर बिजी विद समथिंग, यू गाइज आर गोइंग टू नो वेरी सून इंशाल्लाह, एंड आई हैव नॉट बीन पोस्टिंग अ लॉट एंड आई नो एवरीबडी इज अपसेट विद मी, बट आई लव यू गाइज, आई लव यू गाइज, आई रियली डू। उसके बाद मैं ये वाला मेटालिक शेडो लूँगी। दीज आर बेस्ट व्हेन यू अप्लाई देम विद योर फिंगर्स। आई एम जस्ट गोना टेक इट एंड आई एम जस्ट गोना अप्लाई इट ऑल ओवर माई आईलिड। Like, can you guys see what I'm talking about? I absolutely love, love, love this. I'm just gonna put it all over my eyelid, like so. And then, उसके बाद आप देख सकते हैं कि I'll just zoom in you guys a little bit. This is what the shadow looks like. उसके बाद मैं वही वाला ब्रश लूँगी एंड आई एम जस्ट गोना ब्लेंड द एजेस आउट आराम आराम से। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि आई एम जस्ट गोना बी टेकिंग दिस ग्लिटर एंड हाउ दिस ग्लिटर वर्क्स इज कि आप इसको आराम आराम से सिर्फ टैप करेंगे अपने शेडो के ऊपर ताकि एक बेस भी बन जाए आपकी एंड इट विल लिटरली स्टिक। यू विल नॉट नीड अ ग्लू विद दिस at all. I have used it in a wedding और मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी, मैंने सबका मेकअप भी किया इससे और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं इसके साथ किसी भी तरह का ग्लू यूज़ करती या कुछ भी करती एंड इट स्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट टाइम आई एम जस्ट गोना टेक दिस ब्लैक एंड वट एम गोना डू इज़ कि मैं इसको आउटर वी पर थोड़ा सा ब्लेंड आउट करूँगी ताकि जो एक स्पार्स एरिया है वो अच्छे से फिल हो जाए, जस्ट लाइक सो। और हल्का सा ब्लेंड आउट करने के लिए, बहुत स्लाइटली ब्लेंड आउट करने के लिए व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम जस्ट गोना टेक अनदर ब्रश और मैं ये ब्राउन दोनों मिक्स करूँगी टैपिंग ऑफ द एक्सेस और फिर उसके बाद इसको क्रीज में लगाऊंगी ताकि अच्छा सा सब चीज़ें ब्लेंड आउट हो जाए लाइक सो। ओके सो आई एम डन डूइंग माई आई शेडो एंड नाउ इट्स टाइम फॉर लाइनर एंड मस्कारा। तो लाइनर और मस्कारा के लिए आई विल बी यूजिंग टार्टिस्ट eyeliner और mascara के लिए आई एम गोना बी यूजिंग लाइट्स कैमरा लैशेज मस्कारा। आई एम ट्राइंग दीज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इसमें एक तरफ लिक्विड है और एक तरफ पेंसिल है, सो आई एम जस्ट गोना बी यूजिंग द लिक्विड साइड एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स ग्लिटर के ऊपर, क्योंकि ग्लिटर के ऊपर अक्सर जो है ना वो लाइनर्स वर्क नहीं करते। ओके सो एज यू कैन सी कि लाइनर के ऊपर इतना ज़्यादा आ नहीं रहा है, नॉट रियली, सो आई एम जस्ट गोना लाइन माई आईज विद इट। नहीं, इट डज नॉट वर्क आई लाइन ग्लिटर के ऊपर, लेकिन वैसे इट्स अ गुड आई लाइनर, लेकिन ग्लिटर के ऊपर ही इतना अच्छा सा नहीं आया है। हुदा ब्यूटी का मैंने लाइनर रिसेंटली यूज़ किया है एंड इट जस्ट ग्लाइड्स ऑन इसके ऊपर, ग्लिटर के ऊपर आई हैव यूज्ड इट। नाउ आई एम गोना बी यूजिंग टार्ट का
lights, camera, lashes, mascara, and I'm just gonna coat my eyelashes with it. इसकी मस्कारा की जो वॉन्ड है वो बहुत अच्छी है क्योंकि ये आपकी आईलैशेस को अच्छे से सेपरेट कर देती है. सो आई एम डन विद माय मस्कारा और थोड़ा सा मुझे अपना आई शेडो अनब्लेंडेड लग रहा है तो मैं यहाँ से इसको एक क्लीन ब्रश लेके आई विल जस्ट ब्लेंड इट आउट अ लिटिल बिट फ्रॉम हियर. So I have mascara and eyeliner on. अब मैं lashes लगाऊंगी off camera जल्दी से and I'll be back. Okay, so I just applied my eyelashes and I added a little bit more black to my crease just to smoke it out a little bit. इस तरह से. So you can see the glitter and I just love the eye look. अच्छा eyelashes के लिए मैंने ये Christine की lash glue use की है and I absolutely love this lash glue क्योंकि ये जो lash glue है ना ये मतलब it will not make your eyelashes clump, it will not make your eyelashes fall off, it will मतलब this lash glue is just amazing. I absolutely love it. अच्छा अब face के लिए I have a lot of products to try out लेकिन मैं इसमें आज अपने एक favorite product के बारे में बात करूँगी which is this one. This is a very expensive glow recipe का watermelon glow mist और मैंने इसके बारे में काफ़ी दफ़ा बात की है. इट इज़ बेसिकली अ मिस्ट जो आपके फेस को ग्लो देती है, हाइड्रेट करती है. तो आई एब्सोल्युटली लव यूजिंग दिस बिफोर मेकअप इस तरह से एंड इट विल गिव मी दैट ग्लो जिसकी वजह से मेरा फेस ड्राई नहीं होगा. कैन यू गाइस सी, आई होप यू गाइस कैन सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. क्योंकि धूप निकल आई है तो आई एब्सोल्युटली लव दिस मिस्ट. इट हाइड्रेट्स माई फेस, ये मुझे एक ग्लो देती है एंड उसके लगाने के बाद मैं ऐसे इसको स्किन में एब्जॉर्ब कर लेती हूँ तो मेरी जो स्किन है वो अच्छी खासी ग्लो करने लगती है एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस. अच्छा उसके बाद जो है मैं यूज़ करूँगी प्राइमर एंड प्राइमर यूज़ करने के लिए मेरे पास है फेंटी ब्यूटी का, ये है प्रो फिल्टर मैटिफाइंग प्राइमर एंड व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई एम जस्ट गोना बी पम्पिंग इट ऑन माई हैंड. इट इज़ लाइक दिस, इट्स लाइक अ वेरी रनी फॉर्मूला एंड माई सिस्टर यूज इट यस्टरडे, मैंने यूज़ नहीं किया. आई एम यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ यू गाइस. ओके इज इट मैटिफाइंग, आई डोंट नो, आई मीन इट्स मैटिफाइंग लेकिन ये बहुत ज़्यादा उस तरह का फॉर्मूला नहीं है जो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को ड्राई कर देता है. या मैटिफाइंग का मतलब हमें ऐसा लगता है कि यार अब तो स्किन बहुत जो है ना मैट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मैट नहीं हो रही है इससे मेरी स्किन. इफ़ यू कैन सी, इससे जो है मेरी फेस पे बहुत सारा ग्लिटर लगा है लेकिन फाउंडेशन लगा के वो सही हो जाएगा. सो इट इज़ नॉट अ वेरी ड्राइंग मैट बट इट इज़ अ नाइस फीलिंग वाला स्मूदिंग मैट विच इज़ ग्रेट. सो इट्स वेरी नाइस. उसके बाद कलर करेक्शन के लिए आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टीन का ये कलर करेक्टर. इट करेक्ट्स माई डार्क सर्कल्स एंड माई पिगमेंटेशन वाले एरियाज लाइक एनी थिंग. ये उनकी पेंट, ओके माई कैमरा हैज स्टॉप रिकॉर्डिंग. ये उनकी पेंट स्टिक है इन द शेड ऑर्गेंजा. और इससे मैं कलर करेक्ट करती हूँ आजकल एंड आई एम लविंग कि ये किस तरह से मेरी स्किन पे बैठता है. बस मैं सब जगह पे लगा लेती हूँ एंड व्हाट आई डू इज नेक्स्ट कि मैं कोई भी ब्रश लेती हूँ एंड आई जस्ट ब्लेंड इट आउट क्योंकि मेरी स्किन से काफ़ी करीब है और ये बहुत अफोर्डेबल है. सो एंड आपको बहुत सारा प्रोडक्ट मिलता है सो आई रियली लाइक इट. ओके सो आई हैव कलर करेक्टेड और एक चीज़ मैं लगाना भूल गई जो आजकल मुझे बहुत आई एम लविंग दिस प्रोडक्ट. इट इज़ द मैक की स्ट्रोक क्रीम. दो मुझे मैक के प्रोडक्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं आए मैंने जितने भी यूज़ किए लेकिन ये स्ट्रोक क्रीम इतनी मज़े की. आई जस्ट अप्लाई इट लाइक दिस ऑल ओवर माई फेस और एक इतना प्यारा ग्लो आ जाता है ना इससे. मैं इसको फाउंडेशन में भी लगा के अप्लाई करती हूँ अक्सर. आई अप्लाई इट स्पेशली ऑन माई चीक एरिया. सो कैन यू गाइस सी द ग्लो इस तरह से. आई लव 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 यूजिंग इट. तो जो है मैंने एक ग्लिटर वाला वाइप यूज़ कर लिया सो जैसे मेरे फेस पे ग्लिटर है बट इट्स ओके, वी आर गोना मैनेज. और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ओके ये प्रोडक्ट. मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने देखी या नहीं देखी बट टाटी ब्यूटी ने अपने ब्लेंडरफुल ब्लेंडर्स भी निकाले हैं
and I got my hands on it. I haven't used it ek bhi dafa. I'm gonna try it out in front of you guys. Basically concept ye hai ki isse aap apna foundation blend kar sakte hain. And it's a different idea. It's not a beauty blender, it's not a sponge, ye, I don't know what to call it, but let's see if this works out or not, because I don't know. I mean, this is different. It looks like a matte to me. Can you guys see what I'm talking about? Dekhte hain ye workout karta ya nahi karta. Warna paise zaya ho jayenge mere, aur kya hoga. Isme ek chota wala aata hai aur ek bada wala aata hai. Ye aapko 4000 5000 tak ka milega. If this works out, yes. If it doesn't work out, what can I say? और फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी आजकल की मेरी फेवरेट फाउंडेशन जो है एनास्टासिया बेवरली हिल्स की फाउंडेशन. आई एम इन द शेड 305N और ये फाउंडेशन आई हैव बीन लविंग इट. इफ़ यू गाइज वॉन्ट, अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन भी है एंड यू वॉन्ट अ वेरी ल्यूमिनस ग्लो शीयर कवरेज फाउंडेशन, बिल्डेबल भी हो, दिस इज फॉर यू. ओके, सो मैं थोड़ा सा पीछे आ गई बिकॉज बहुत धूप आ रही थी. And what I'm gonna do is I'm just gonna shake the foundation और मैं इसको अपने हाथ के पीछे pump करूँगी. I love this foundation. मैं इसको हर दफ़ा use करती हूँ जब भी मैं बाहर जाती हूँ. अब देखते हैं कि ये कैसे workout करता है. I am a little nervous क्योंकि I'm just gonna dot foundation. जिस तरह मैं apply करती हूँ मैं उसी तरह से इसको dot करूँगी अपने face पे एक जगह पे, और फिर हम इससे blend करके देख, oh shit, it's on my hair. ब्लेंड करके देखते हैं इफ इट्स वर्थ इट और नॉट. इट्स सो प्रिटी, आई डोंट वांट टू लाइक रुइन इट, लेकिन देखते हैं. अच्छा, मैंने लोगों को जो देखा है अब तक वो कुछ डैब भी कर रहे होते हैं, कुछ जो है ना इसको यूज करते वक्त ड्रैग भी करते हैं, बट आई एम जस्ट गोना डैब इट. ओके, आई जस्ट डोंट लाइक इट, ये गंदा हो रहा है बिकॉज you know how it is, right? इसके पैक पे इंस्ट्रक्शंस देखते हैं कि क्या लिखी हुई हैं. डू नॉट ब्लीच, इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सो आई एम जस्ट गोना यूज इट. इस तरह मुझे लगता है मुझे इसको यूज करना चाहिए. अच्छा, अब मुझे एक चीज़ ये लग रही है कि इससे फाउंडेशन ब्लेंड तो बहुत अच्छे से हो रही है, मगर इट्स लाइक आउच आउच, आई पोक माइसेल्फ इन द आई, इट्स सो बैड. ओके, सो इससे एक्सेसिव प्रोडक्ट आपका वेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है जैसे यहाँ पे आई नीड मोर कवरेज, शायद इट इज ईटिंग अप द प्रोडक्ट, आई डोंट नो, लाइक राइट हियर. What is this? यहाँ पे it is eating up the product a little bit. Like, can you guys see कि पूरे face पे foundation है, but यहाँ पे नहीं ठहरा foundation. I'll just drag it. Okay. अच्छा, तो यहाँ पे आप ऐसे लगा सकते हैं कि आप इसको drag करके लगा सकते हैं, but मुझे भी अभी भी यहाँ पे कुछ missing लग रहा है. I don't know. But overall, do I like the finish of it? Let me look at myself in the mirror and we're gonna see. It blended out very nicely, but क्या आपको एक ब्यूटी ब्लेंडर छोड़ के ये खरीदना चाहिए? आई मीन आई गॉट इट बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट, मगर क्या एक ब्यूटी ब्लेंडर स्किप करके आपको ये खरीदना चाहिए? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज एक तो अच्छा, अब यहाँ पे मैं ना इसको ड्रैग करके अप्लाई करके देखती हूँ कि ड्रैग करके कैसे अप्लाई हो रहा है. ड्रैग करके वो अप्लाई नहीं होगा, इट विल डेफिनेटली रुइन योर प्रोडक्ट. मतलब यहाँ से यहाँ पे बैठ ही नहीं रहा प्रोडक्ट. सो एंड यू हैव टू यूज अ लॉट ऑफ फाउंडेशन. आई डोंट नो इफ आई एम यूजिंग इट राइट और नॉट, मगर मैंने ऐसे ही देखा ट्यूटोरियल्स में, एंड आई थिंक इट हैज़ द सेम फिनिश एज अ फाउंडेशन ब्लेंडर, एंड आई डोंट रियली थिंक यू शुड गो एंड पे 4000 रुपीज जस्ट टू गेट अ ब्लेंडर. एंड मैंने तो इसलिए लिया बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट, बट इफ यू रियली वॉन्ट टू स्पेंड ऑन इट, इट्स अ गुड आइडिया, मगर फालतू में पैसे फेंकने वाली कहानी हो जाएगी. सो और इट्स आई डोंट नो, आई आई एम
आई एम जस्ट फाइन विद इट, मतलब सही है, अच्छा है, ले लिया तो अच्छा है, अगर लेना चाहते हैं तो आई वुडंट रिकमेंड इट, क्योंकि यार ये जो है ना, मतलब एक ब्यूटी ब्लेंडर से भी इसी तरह का फिनिश आता है एंड इट्स अ लॉट मोर चीपर. सो अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो आपकी फाउंडेशन जो है वो हट जाएगी, आपको इसको डैप करके ही अप्लाई करना है. लेकिन अभी हमें अपने पाउडर्स भी अप्लाई करना है, तो हम देख लेंगे कि अगर इससे पाउडर्स अच्छे से अप्लाई होते हैं एंड इफ़ इट्स अ मल्टीटास्कर एंड यू कैन जस्ट यूज़ इट. लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि यहाँ पे मेरी फाउंडेशन बैठ नहीं रही है फॉर सम रीज़न. आई जस्ट हैव टू अप्लाई मोर एंड मोर एंड मोर. तो देखते हैं, कंसीलर अप्लाई करके देखते हैं कि कैसा है, क्योंकि फाउंडेशन अप्लाई तो बहुत फ्लॉलेसली हुई है, लेकिन जैसे ब्यूटी ब्लेंडर एक्सेसिव प्रोडक्ट उठा लेता है एंड यू नो हाउ इट गोज. सो यहाँ पे जैसे मुझे लग रहा है फाउंडेशन ज़्यादा जमा हो गई है, बिकॉज ये ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है, सो ये गीला भी नहीं है, तो ये प्रोडक्ट नहीं उठा रहा है एक्सेसिव. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ फॉर फाउंडेशन. आई एम ओकेश विद इट, बट लेट्स सी कि कंसीलर वगैरह अप्लाई करके, पाउडर अप्लाई करके हाउ डज इट वर्क. Okay, so for my concealer, I'm going to be using Fenty Beauty by Rihanna का concealer in the shade 300. And let's see how this concealer works. क्योंकि I have been seeing YouTubers rave about it. And let's see if it works out for me. It looks like this. I hope it matches me. क्योंकि online shade मंगवा के तो इंसान, मतलब you know how it is. I think it's a good match. But let's see how it blends. I'm just gonna apply it on the areas जहाँ पे मैं कंसीलर अप्लाई करती हूँ. आई रियली लाइक द टिप ऑफ इट, इट्स वेरी क्यूट. अब मैं टाटी ब्यूटी का ही ये छोटा वाला ब्लेंडर लूँगी एंड आई एम जस्ट गोइंग टू बी ब्लेंडिंग इन माई फाउंडेशन विद इट एंड लेट्स सी इफ इट वर्क्स. ओके, तो आई थिंक अजान हो रही है, तो आई विल जस्ट स्टॉप दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक आफ्टर अजान. ओके, सो जब मैं अब अपनी बेस को देख रही हूँ तो मेरी बेस बहुत अच्छे से सेट हुई है एंड आई ब्लेंडेड द कंसीलर आउट विद दिस वन एंड आई एम प्रीटी हैप्पी विद इट. मतलब मुझे लग रहा है उसके नाक के पास से थोड़ा सा मुझे फाउंडेशन जम गया है था यहाँ पे, अब मैंने इसी से ब्लेंड आउट किया क्योंकि ये छोटा है तो इट्स ईजियर to blend out your thing with it. अच्छा, अब मैं इससे क्रीम कॉन्ट्रोल भी ब्लेंड करके देखूंगी. आई एम गोइंग टू बी यूजिंग माई एनास्टाजिया की कॉन्टोर किट इन द शेड इट्स अ कॉन्टोर स्टिक. मुझे एक सेफोरा के सेट में आई थी ये, सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी प्लेसिंग माई कॉन्टोर एंड लेट्स सी इफ इसको थोड़ा सा आप ब्लेंड अडैप करके या फिर आप थोड़ा सा इसको ऐसे करके जैसे आप ब्रश से करते हो ऐसे इसको ब्लेंड आउट कर सकते हो. ओके, ब्लेंडेड आउट प्रीटी नाइसली. आई रियली लाइक दिस कॉन्ट्रोल स्टिक क्योंकि इसकी अंडरटोन काफ़ी ग्रे है, सो इट्स परफेक्ट फॉर कॉन्ट्रोइंग योर फेस. अब मैं जो है बाकी का भी इससे अपना फेस अपने कॉन्ट्रोल करके फिर पाउडर की तरफ चलते हैं ताकि पता चले कि इससे पाउडर अच्छे से ब्लेंड हो रहा है या नहीं. ओके, सो आई जस्ट क्रीम कॉन्ट्रोल्ड माई फेस एंड नाउ आई एम गोइंग टू बी यूजिंग फेंटी ब्यूटी का पाउडर इन बनाना. आई रियली लाइक दिस पाउडर इज वेल. ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है. दिस इज़ माई सेकेंड टब ऑफ इट एंड आई एब्सोल्यूटली लव इट. तो देखते हैं कि अब अगर मैं इससे अपनी अंडर आइज बेक करती हूँ तो कैसा लुक आता है एंड इफ इट इज वर्थ इट और नॉट. एक आंख को मैं इससे करूंगी और दूसरी आंख को मैं जो दूसरा हमारा बड़ा वाला ब्लेंडर है उससे करूंगी. I'm just gonna bake it for a while.
अभी तक मैंने कोई ब्रशेस यूज़ नहीं किए, विच इज वन थिंग के थोड़ा डिफरेंट हो रहा है आज. तो प्रोडक्ट प्रेस हो रहा है अच्छे, लुक्स नाइस. अब हो सकता है पाउडर का कमाल है, क्योंकि पाउडर एक्चुअली बहुत अच्छा है. सो आई जस्ट वेट फॉर लाइक 3 to 4 सेकेंड्स एंड लेट्स सी इफ दिस वर्क. ओके, सो आज मैंने अपना पूरा फेस उसी टाटी ब्यूटी के ब्लेंडरफुल से ब्लेंड किया, वो सेट किया है. एंड आई हैव टू से वन थिंग के नॉर्मली ये ग्लिटर अभी भी इट इज़ ओवर देयर बट इट्स ओके. जो नॉर्मली मेरा फेस पे जो फाउंडेशन और पाउडर बैठता है तो वो थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा ऊपर ऊपर है, लेकिन इससे जब मैंने अपने पाउडर से फेस को सेट किया है तो आई हैव टू से वन थिंग कि मेरा फेस काफ़ी अच्छे से सेट लग रहा है एंड इट्स लुकिंग प्रीटी स्किन लाइक. दो इट्स फुल कवरेज राइट नाउ बट इट्स लुकिंग प्रीटी स्किन लाइक विच इज़ अ ग्रेट थिंग, क्योंकि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू टर्न आउट दिस वे. एंड मैंने जस्ट हल्के से डस्ट ऑफ किया है जो मैंने इसके ऊपर बेक किया था अपने ब्रश से, एंड इट इज़ लुकिंग प्रीटी फ्लॉलेस. आई विल जस्ट गेट अप एंड शो यू गाइज अ लिटिल बिट. सो या, इट्स a nice thing. Okay, I really want to show you guys another palette. This is the Hourglass palette. I've been using it for a long time. ये highlighters नहीं है, ये blush है, ये contour है, मगर ये वाले जो powders हैं these are basically setting powders. So what I do is कि जब मैं मुझे लगता है मेरा face थोड़ा सा dry हो रहा है so I just dust these powders all over my face और उससे instantly एक हल्का सा मेरे face पे sheen आ जाती है which I really like about it. सो दीज पाउडर्स आर ग्रेट फॉर मेकअप आर्टिस्ट जिनको लगता है उनके क्लाइंट्स की स्किन तो ऐसी पाउडरी हो गई, दे कैन जस्ट टेक दीज एम्बियंट लाइटिंग पाउडर्स और उसको अपने फेस पे पूरा अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के फेस पे, तो वो एक जो पाउडरीनेस होती है वो चली जाएगी और एक ल्यूमिनस फिनिश आ जाएगा फेस पे. ओके, नाउ आई एम गोना बी ट्राइंग आउट फेंटी ब्यूटी का सन स्टॉकर कैरमल क्यूट ब्रॉन्जर एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. I am just gonna bronze my face with it. Let's see if this works. Using it for the first time. Oh, nice. अच्छा मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, but that's okay. That's what we want. A very very bronzy look. I'm just not gonna contour today. I'm just gonna bronze today because the eyes are so heavy. I really want the skin to look bronzed up and. I love how beautifully this bronzer actually is blending out and sitting on my skin. Can you guys see? I really really like it. Okay, so for my blush I'm going to be using these shades from the Hourglass palette because I absolutely love how this palette is, and I'm just taking this MUA का stippling brush और मैं इसको अच्छे से अपने, अब ये वाले blushes जो है ना, ये blushes काफी ग्लोई और शीन वाले हैं, सो दे एक्चुअली लुक सुपर सुपर प्रिटी ऑन द चीक्स. कैन यू गाइस सी, वेरी स्किन लाइक, वेरी प्रिटी, वेरी ग्लोई. आई रियली डोंट वॉन्ट अ लॉट ऑफ ब्लश टूडे, सो मैं थोड़ा सा ये वाला जो ब्रॉन्जी जो इसका शेड है ना ये लूंगी एंड आई जस्ट पुट इट अ लिटिल बिट ऑन टॉप ऑफ द ब्लश बिकॉज आई वॉन्ट अ लिटिल ब्रॉन्जी लुक टूडे. आई मीन एवरी टाइम आई वॉन्ट अ ब्रॉन्जी लुक. ओके, अब लोअर लैश लाइन के लिए मैं टार्ट का जो ये टार्टिस्ट आई लाइनर है इसके दूसरे साइड की ये यूज़ करूँगी विच इज़ अ पेंसिल एंड इट इज़ अ जेल लाइनर एंड व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई एम जस्ट गोना लाइन माय वाटर लाइन विद दिस और थोड़ा सा मैं इसको नीचे भी एक्सटेंड करूँगी बिकॉज आई वॉन्ट अ वेरी स्मोक्ड आउट लोअर लैश लाइन विद दिस लुक. सो दिस इज़ वेरी वेरी क्रीमी यू गाइज, लाइक I love it. थोड़ा सा मैं इसको नीचे भी एक्सटेंड करूँगी लाइक सो, बहुत हल्का सा, क्योंकि इसके बाद ऑब्वियसली हमें आई शेडो भी लगाना है. सो आई एम जस्ट गोना बी टेकिंग द टाटी ब्यूटी पैलेट अगेन एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट टेक दिस शेड राइट हियर विच इज़ द सीक्विन और मैं इससे इसको नीचे से हल्का हल्का स्मज आउट करूंगी लाइक सो, इस तरह से. फॉर द पीपल हु हैव स्मॉलर आईज वो सिर्फ ये चीज बीच तक करें एंड जिनकी बड़ी आंखें हैं वो इसको अपने इनर कॉर्नर तक भी हल्का सा लेके जा सकते हैं.
सो दिस इज हाउ इट विल लुक. और अंदर के लिए मैं थोड़ी सी ग्लिटर लूंगी ऑन अ स्मॉलर ब्रश एंड आई एम जस्ट गोना बी टेकिंग दिस द लाइटेस्ट शेड एंड आई एम जस्ट गोना बी अप्लाइंग इट अ लिटिल बिट राइट हियर a little bit right here. थोड़ा सा इनर कॉर्नर में, बहुत हल्का सा, वेरी लाइटली, लाइक सो, इस तरह से. और उसके बाद मैं थोड़ा सा ये सबसे लाइटेस्ट शिमर शेड लूँगी एंड आई विल जस्ट ब्लेंड इट आउट अ लिटिल बिट ताकि ज़्यादा ग्लिटरी चंक्स ना पता चलें. Okay, so I did not have a new highlighter to try out, so I just used my Beautify by Amla ki highlighter palette and I used this shade which I absolutely love. Maine halka sa apne pure face pe usko dust kar liya. Now I'm going to be applying a lipstick and I'm going to be using just for the beauty ka lip contour in the shade Flirt. Just going to remove the lip balm and it's a very nice cool toned brown. Okay, so I think this is a little dark for the eyes, so I'm just gonna be taking Huda Beauty ka Staycation Power Bullet and I'm just gonna lighten it a little bit from the centers. ओके सो दिस इज़ द फाइनल लुक. और इस वाले स्प्रे की मैं आपको एक और बात बताती हूँ, अगर आपका आपका फेस बहुत ज़्यादा मैट लग रहा हो एंड यू वॉन्ट ऑल द प्रोडक्ट्स सिंक इन, सो आई जस्ट स्प्रे इट ऑल ओवर माई फेस वन टाइम आफ्टर माई मेकअप सो दैट माई मेकअप लुक्स मोर ड्यूई, मोर फ्रेश, मोर स्किन लाइक एंड वॉट नॉट. ओके गाइस, सो दिस इज़ द फिनिश लुक. काफ़ी कूल टोन्ड लुक लग रहा है एंड आई एम एक्चुअली रियली लाइकिंग इट. If you liked it, give it a thumbs up, subscribe to my channel. If you're new, I have a lot of blush right here, but that's okay. And agar aapko pasand aaya eye makeup sab cheeze, do try it out. Tag me on your Instagram pictures. I love you guys a lot. Take care of yourself and I am loving the skin makeup. Everything turned out great. I also like the blender. Mujhe koi brushes beauty blender use nahi karna pada. Sirf ek blender se maine apna powder, concealer, foundation sab kuch lagaya. Aap isse apna foundation primer bhi apply kar sakte hain. You can also apply your powders with it, but I just love how everything turned out. I hope you guys enjoyed it. Love you guys a lot. Take care of yourself, you guys. Bye.